दोस्तों, गुजर कार्निवल का जो प्रोग्राम यहाँ ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, वहाँ एक ग्राम पाठशाला टीम के सदस्य भी पहुँचे हुए हैं, जिनका सपना है 6,64,000 जो पूरे देश के गांव हैं, उस हर गांव के अंदर लाइब्रेरी खोलने का। तो यहाँ उन टीम के सदस्य यहाँ सब लोग आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि अभी वो लोग ग्राम पाठशाला के माध्यम से किस पोजिशन पर पहुँचे हुए हैं और कितने गाँव में उन्होंने अभी लाइब्रेरी खोली है। तो कौन बात करेंगे जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजयपाल नागर है। नागर साहब, अभी कितना टाइम हो गया आपके संगठन को? ये हमारे ग्रुप को चले हुए लगभग 2.5 साल हो चुका है जी, और 2.5 साल में हम लोग 500+ लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करा चुके हैं गांव के लोगों के द्वारा, गांव में ही। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, गांव वाले सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दिल खोल कर सपोर्ट करते हैं। दिल खोल के सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। जहां जाते हैं गांव में, जहां 500 लाइब्रेरी आपने खोली है जी, तो वहां अभी लगभग आपको 2 साल हो गए? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए जी। तो वहां रिजल्ट अभी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जिस गांव से कभी एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता था, वहां उस गांव से 10-10 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक मेरे अपने गांव की जिक्र मैं करूँ यदि, तो उसमें मेरा गाँव बम्बावट पड़ता है ग्रेटर दादरी में ही, तो वहाँ एक भी बच्चा डायरेक्ट यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट नहीं हुआ था। और जब से लाइब्रेरी बनी है, 3 बच्चे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए और 11 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था सब इंस्पेक्टर का। ये अपने अपनी बड़ी बात है। और यदि हम बात करें अभी गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी इस मिशन की, गणौली गांव से, उस गांव में अभी पीछे दिल्ली पुलिस में ड्राइवर का रिजल्ट आया है रिटर्न का, 35 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है। बगल का गांव वहीं पर चिरौड़ी पड़ता है, चिरौड़ी में 13 बच्चे डायरेक्ट दिल्ली में टीचर लगे हैं। तो इतना अच्छा रिजल्ट। बताइए, ये फर्स्ट विचार किसके दिमाग में आया, आपकी टीम के जो सदस्य हैं? हमारी टीम के सदस्य हैं भाई साहब लाल बहार जी हैं, आपके बगल में ही खड़े हुए हैं, डिप्टी SP हैं NHRC में। ये उनका विचार था, उनके मन में, उन अपने गांव में लाइब्रेरी बनने के बाद ये विचार है कि हर गांव की जरूरत है, और उसके बाद फिर टीम बनती चली गई। और फिर उसके बाद चलिए ठीक है, लाल बहार जी से भी बात करते हैं। लाल बहार जी, थोड़ा सा आप इधर आइए, CO साहब आप इधर आ जाओ थोड़ा सा ना। तो आपके मन में ये विचार ग्राम पाठशाला के माध्यम से लाइब्रेरी का आया, कैसे आपके माइंड में मतलब डेवलप हुआ विचार? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गनौली गांव में हम सब लोगों ने, गांव के नौजवानों ने, नौकरी पेशा जो लोग थे, उन्होंने मिलकर लाइब्रेरी बनाई थी जी, और उसमें 70 बच्चों के बैठने की हमने जगह बनाई। उस लाइब्रेरी में बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया, उसमें जो बच्चों की भीड़ लगी, उससे हमें ये विचार हमारे दिमाग में आया, क्योंकि जितनी हमने जगह बच्चों के लिए रखी थी, जितनी सीटें हमने बनाई थी, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे वहाँ पहुँचे थे। और हमें ये भी जानकारी हुई कि इस लाइब्रेरी में आसपास के गांव के बच्चे भी आने लगे हैं, उस वजह से हमारे गांव के बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो तभी हमने सोचा कि ये कोशिश दूसरे गांव में भी की जानी चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट थॉट था वो ये था कि भाई हम अपने गांव में लाइब्रेरी बनानी है और उसी को एस्टेब्लिश करना। बिल्कुल, जब शुरू किया था तो अपने गाँव के लिए शुरू किया था। फिर आपने जो रेस्पॉन्स देखा, फिर आपके मन में ये चीज़ उत्पन्न हुई कि हमें और गाँव में और देश के अंदर भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लाइब्रेरी बनानी चाहिए। अच्छा, ये 6,64,300 कुछ गाँव का जो आपका एक सपना है, तो इसको पूरा करने के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, हमने 5 साल की समय सीमा रखी है, 15 अगस्त 2027 तक हमारा संकल्प है कि हम देश के हर गांव में लाइब्रेरी बनवा देंगे। उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं आप? हमने जब आप लोगों की कितने लोगों की टीम है? हमारी टीम में सैकड़ों लोग हैं, यहाँ कुछ ही साथी यहाँ पहुँचे हैं। ओके, टीम में सैकड़ों लोग हैं पूरे भारत में, अलग अलग राज्यों में, किस तरीके से आप इसको इस्टेब्लिश करने के उसमें हैं? ये एक सोशल कैंपेन है जी, जिसे देश के लोगों ने अपना लिया है, और जब देश के लोगों ने इसको अपनाया तो सरकारें भी बाध्य हुई, सरकारें भी मजबूर हुई। इस बार जो संसद में बजट पेश किया गया, उसमें केंद्र सरकार ने देश भर के गांवों में लाइब्रेरी के लिए बजट का प्रावधान रखा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश के हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे। अभी ये राजस्थान में भी हुआ है। तो सिर्फ एक मुहिम खड़ी करनी थी, एक क्रांति खड़ी करनी थी, उसके बाद तो जिम्मेदारी सरकारों की है, सरकारें ही ये लाइब्रेरी बनाएंगी। और जो बस हम ये चाहेंगे कि जिस मॉडल पे लाइब्रेरीज बन रही हैं, सरकार ये लाइब्रेरीज उसी मॉडल पे एस्टेब्लिश करे, जिससे इनका संचालन भी आसान हो जाए। ओके, शिवसा आपका क्या कहना है ग्राम पाठशाला टीम के बारे में? मैं ग्राम पाठशाला टीम के बारे में एक शेर और दो कोट के माध्यम से आपको मैसेज देने वाला हूँ जी। एक कोटेशन है, चैरिटी बिगेंस एट होम जी। तो लाल बहार ACP जो मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में है, मानव के अधिकारों को देख रहे हैं, वो गनौली गांव से रहने वाले हैं, उन्होंने ग्राम पाठशाला की इस पवित्र मुहिम का शुभारंभ अपने गांव गनौली से ही किया।
और जैसा हमारे साथी बता चुके हैं कि 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी हो चुकी हैं और पूरे भारत में लाइब्रेरी का मिशन है। तो इन्होंने लाइब्रेरी खोलने से पहले न किसी सेमिनार की आवश्यकता पड़ी, न किसी लेक्चर की, न किसी प्रवचन की, न किसी से दीक्षा की, और इन्होंने इनके मन में एक भावना जगी ईश्वर कृपा माँ सरस्वती कृपा से, और इन्होंने मुहिम प्रारंभ कर दी। एक शेर है शायर का कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ने की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ने की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की। तो इन्होंने आसमान की बुलंदी जान ली है। और मेरा लाल बहार के जो मैं इनको पिछले 2.5 वर्ष से जानता हूँ, जब से ग्राम पाठशाला का गठन हुआ है, मैं उतने सक्रिय रूप से नहीं हूँ लेकिन जुड़ा जरूर हूँ मन से तन से हर तरह से, जैसे जब भी इनका आदेश होता है मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि लाल बहार जो हैं मानवाधिकारों को भी भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। NHRC में है, जिस संस्था में है उससे जुड़े हैं, उससे जुड़े तो NHRC में तो अभी आए हैं कुछ दिन से, लेकिन ये मानवाधिकारों को पहले से देख रहे हैं। मानवाधिकारों में शिक्षा भी एक अधिकार के रूप में है, और शिक्षा को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी से उचित माध्यम कोई हो नहीं सकता। और शहरों में तो लाइब्रेरियां, जब हम मुजफ्फरनगर पढ़ते थे तो पूरे मुजफ्फरनगर में एक लाइब्रेरी थी, वो टाउन हॉल में होती थी, नेहरू पुस्तकालय के नाम से एक लाइब्रेरी, पूरे जनपद में एक लाइब्रेरी थी। कहाँ पूरे जनपद में एक लाइब्रेरी, कितने पढ़ने वाले रहे होंगे, गाँव की तो आप भूल ही जाइए। और इन्होंने जो संकल्प लिया है गाँव गाँव लाइब्रेरी खोलने का, इससे पुनीत कार्य कोई हो नहीं सकता। और ये लाइब्रेरी जिस दिन गाँव गाँव में खुल जाएगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नालंदा हमारा विश्वविद्यालय था, हम करीब करीब उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे यदि गांव का हर एक बच्चा पढ़ने लगेगा तो। बिल्कुल सीओ साहब ने बहुत अच्छा कहा। दर्शकों, लाल बहार जी और जो इनकी टीम काम कर रही है, ये आप मानिए कि हर गांव के अंदर एक मिनी विश्वविद्यालय जैसी एक ये पोजीशन लाइब्रेरी करती है। लाइब्रेरी का जो प्रारूप है वो एक छोटी छोटी, अब हम लोग यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं उसको, उसका प्रभाव उसी टाइप का निकल के आएगा। तो अभी कुछ सदस्य और भी हैं यहाँ जी। क्या नाम है आपका? संजय बैसला नाम है मेरा। बैसला साहब जी, आपकी क्या भूमिका है? भूमिका क्या, इसमें एक छोटे से सदस्य हैं हम भी। अच्छा। और जो हम पे बन पाता है वो हम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जी मैम। जी, मैं रूपा बीर सिंह हूँ और मैं ग्राम पास में आ जाइए। मैडम आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं रूपा बीर सिंह हूँ और मैं बिजनौर से हूँ, गाजियाबाद में रहती हूँ। और टीम ग्राम पाठशाला से मैं 2.5 साल से तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद से, इवन जब से लॉकडाउन हुआ तब से जुड़ी हूँ। और मैं इस टीम से इतनी प्रभावित हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि मैं हमेशा से चाहती थी कि कुछ अच्छा करूँ, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कहीं रजिस्ट्रेशन कराती हैं, कहीं पैसे लेती हैं, कहीं कुछ करती हैं, लेकिन ग्राम पाठशाला का सबसे अच्छा जो एक तरीका है वो ये है कि यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ना किसी से कुछ लेते हैं ना देते हैं, बस आप दिल से काम करिए। तो मैं इस टीम के साथ इसलिए बहुत ही दिल से जुड़ी हुई हूँ, और जो भी मेरे से होता है, जहाँ भी जाना होता है, मैं जाती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बाय प्रोफेशन आप क्या? बाय प्रोफेशन मैं एक जॉब करती हूँ ऑपरेशन मैनेजर की, और जो भी मेरी छुट्टी होती है उसमें मैं पूरा टाइम ग्राम पाठशाला को देती हूँ। तो बिजनौर में भी कुछ लाइब्रेरी आपने? बिल्कुल, हमारे एक दूसरे ब्लॉक में अभी शुरू हो चुका है और बिजनौर में भी अभी शुरू होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद जी मैम। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर नीलम भाटी है, मैं गाँव अस्तौली से हूँ। अस्तौली से आप? हाँ जी, हाँ जी। और 2.5 साल से लगा लीजिए आप, मैं इस मिशन के साथ हूँ। पहले मैं भी ऐसी डरती थी कि पता नहीं मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे चलेगा, लेकिन सबसे पहले हमने भी लाइब्रेरी लड़कियों के लिए बनवाई, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैं गांव में लाइब्रेरी बनाऊं। तो पहले लड़कियों की बनवाई, फिर लड़कों की लाइब्रेरी बनवाई। हमारे गाँव में 2 लाइब्रेरी हैं, और आपको इतनी बात बता दूँ उस लाइब्रेरी से, हमारे गाँव की बहुएँ PGT हुई हैं जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे गाँव की लड़कियाँ SI हुई हैं जी, इस लाइब्रेरी से। तो नाउ दे हैव वेरी कॉन्फिडेंट कि एक लेडी ने अगर परचम लहरा दिया है तो हमें तो आगे आना ही आना है। तो शिक्षा से रोजगार की बात जहाँ चलती है तो हम ग्राम पाठशाला हैं। थैंक यू। अच्छा, आप किस फील्ड में डॉक्टर हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और जी 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 जी, तो आप अपनी सेवाएं दे रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सेवाएं नहीं दे रही हूँ। अब आजकल मैं अपनी सेवाएं गाँव गाँव को दे रही हूँ, आहुति लगा रही हूँ हर उस गाँव में जहाँ दे देनी चाहिए, जहाँ मैं अपने हिस्से की कुछ चीजें भूल गई थी। आप मैं वापस जाऊँ, बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की जी। और इसका प्रभाव आने वाले अगले 5 सालों में बहुत ही अच्छे लेवल पर दिखाई देगा। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आइए थोड़ा सा इधर आइए जी।
सब नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रीना वर्मा है और मैं ग्राम पाठशाला से पिछले कुछ समय से जुड़ी हूँ और मैंने इनको एक स्लोगन दिया है, फ्यूचर एट योर डोरस्टेप। गांव के बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य खुद ही इनके द्वार पे आ गया है ग्राम पाठशाला के रूप में। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली मैं खुद भी अफोर्डेबल एजुकेशन में ही काम कर रही हूँ और मेरा भी बेंट इन्हीं लोगों से मैच करता है। तो मैं अपने बारे में कुछ बताएं आप? मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको, मैं अलग से बताऊँ आपको? नहीं, यही बता दीजिए, इस टीम के साथ ज़्यादा मैच बेस्ट होगा, कोई बात नहीं, आप बताइए। देखिए, मैं पिछले 22 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। मैंने 22 साल की एज में एज अ कॉलेज लेक्चरर जॉब शुरू किया, जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर से जॉब की 2-3 साल। उसके बाद डॉक्टरेट कर रखी है, मैंने PhD हिस्ट्री है, नेट है, यूपी टेट है, सी टेट है, हाँ मैंने बहुत कुछ किया हुआ है एक्चुअली। और मुझे ऐसा लगता है पे बैक टू सोसाइटी, इतना कुछ जो किया है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस ऐसी कोई फाइनेंशियल नहीं थी मुझे ज़रूरत के, मेरे लिए ज़रूरी था जॉब करना, पर और बहुत तरीक़ों से मैंने उस चीज़ को यूज़ किया है हमेशा। और अब मैंने एक शाश्वत कल्याण ट्रस्ट के नाम से अपनी एक ट्रस्ट बनाई है, जिसके अंडर में मैंने एक स्कूल खोला है, अपनी 2 बिल्डिंग्स डेडिकेट की हैं, जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल है वो। और अब आज जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग एक चेन ऑफ अफोर्डेबल स्कूलिंग बनाना चाहते हैं जी, उसके लिए हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। विजन क्या है उसके साथ? विजन अफोर्डेबल एजुकेशन ही है। अफोर्डेबल, तो उसका क्या प्रारूप आपने बनाया? प्रारूप ये होगा कि CBSE स्कूल्स की डिमांड्स बहुत हाई है। मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा स्कूल खुला है जिसमें मैनी करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मुझे ये आइडिया बहुत क्लिक किया कि हमारे पास अगर छोटी बिल्डिंग है तो उसमें लैंड तो रिक्वायरमेंट है नहीं, उसमें रूम्स रिक्वायरमेंट होती है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी आपको इंग्लिश मीडियम की एफिलिएशन देती है, तो बेटर है आप उस तरफ जाएं। और मैंने आज एक आइडिया दिया है यहाँ पे कि हम लोग 5-5 किलोमीटर्स की नेटवर्किंग करें, जो लो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, रेसिप्रोकेट करें, एक स्पेशल स्किल को एक स्कूल कैटर करे, जैसे कोई चेस चेस चैंपियनशिप करे अपने यहाँ, कोई क्विज क्लब बनाए, कोई बास्केटबॉल क्लब बनाए, और बाकी सारे 5 किलोमीटर वाले स्कूल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें। दिस इज़ माई विजन फॉर एजुकेशन। और अभी मैंने एक संवाद के नाम से अपना प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, मैंने गुर्जर महोत्सव में एक पैनल डिस्कशंस कराए थे 2 दिन, और आज ये प्रोग्राम भी मेरे उसी विजन के अंडर में हुआ है, डॉक्टर यशवीर सिंह के चेयरमैनशिप में जी। तो संवाद के थ्रू आप अभी क्या कर रहे हैं, करने वाले? संवाद के थ्रू हम ये अवेयरनेस कैंपेन्स और डिस्कशंस ही कर रहे हैं कैसे समाज को बेहतर बनाया जाए, किन किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। तो कोई पर्टिकुलर एरिया आपने चुना है? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं चुना है मैंने, हम लोगों ने तो पैनल्स भी हर एरिया से बनाए थे, एजुकेशनिस्ट थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, ये हमारा विमुक्त जाति जागरण जो चल रहा है इसका एक पैनल था, वुमेन एजुकेशन का पैनल था, NGOs के पैनल था, जितने NGOs कम काम कर रहे हैं समाज में। और हम कोई एक विज़न हमारा बड़ा है एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट टूवर्ड्स कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी नहीं, हमारा मतलब आउट ऑफ सभी लोग। होता क्या है कि ये हम लोग ना अभी जैसे अपना दादरी में जो गुजर कॉलेज है सम्राट मिहिर भोज, वो गुजर कॉलेज कहा जाता है, पर पढ़ते तो सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप किसी एक समाज को टारगेट करके करते हैं, तो उसमें सभी लोगों का भला होता है। शुरुआत अपने घर से ही की जाती है ना, सबसे पहले अपने घर की गंदगी साफ की जाती है। बिल्कुल, अभी ये जो ग्राम पाठशाला जो टीम है, इन लोगों ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इस प्रोग्राम के माध्यम से पहले इन्होंने अपने गांव, अपने लोग शुरू किया, उसका बेनिफिट पहले अपने लोगों को मिला ना। आप सबसे पहले अपने आसपास ही देखें कहां से शुरुआत की जा सकती है। जी 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 जी, तो ऐसी शुरुआत की है मैंने। चलिए, बहुत शानदार, आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली वाले आपको पूरा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। माय हस्बैंड वाज हियर टुडे, ओके, ही इज अ बिल्डर एक्चुअली। मैं बिशनपुरा से हूँ, मेरे हस्बैंड हैं श्री हितेंद्र प्रताप सिंह। हितेंद्र प्रताप सिंह जी, एक्चुअली आपकी तो फैमिली ना, आपके जो फोर फादर्स वगैरह आपके हस्बैंड के जो रहे हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया है। बाबा बिशन सिंह थे हमारे, उनको काले पानी की सजा हुई, उनके नाम से ही गांव बिशनपुरा है। जी जी जी, बिशनपुरा। और आपकी फैमिली? और मेरे ससुर साहब लेट श्री जिले सिंह जी, उन्होंने MP का इलेक्शन फाइट किया अजीत सिंह के अगेंस्ट, और रघुराज सिंह जी मेरे चाचा जी हैं, वो कांग्रेस से लड़ते हैं। एक चाचा जी मेरे रणबीर सिंह जी हैं, वो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर हैं, कॉमोडोर रहे हैं नेवी में। एक चाचा जी हमारे बलराज सिंह जी हैं, वो भी बहुत समाज सेवी और बड़े
साधारण तबीयत इंसान है। आपकी अपनी जो फैमिली है वो समाज के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है और मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूँ, आपके घर भी गया हूँ, सब लोग जानते हैं, आपके कमांडर साहब भी, आपके रघुराज जी, विजेंद्र मुंशी जी भी, सब लोग मुझे जानते हैं। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मेम्बर, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं पर हमारी धुरी जो है हमारे परिवार की वो है हमारे चाचा जी विजेंद्र सिंह मुंशी जी, उनकी कोशिशों से जी 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 परिवार हमारा बंधा हुआ है एक सूत्र में। बहुत शानदार कार्य आप कर रही हैं और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज और देश के लिए काम करेंगे तो देश के अंदर एक क्रांति आएगी और देश के अंदर जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आएंगे। तो आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दर्शकों, अभी हमने बात की रेणु वर्मा जी से और आज के प्रोग्राम में बस इतना।